विविधता को अनुभव कर रहा हूं। आज सुबह ही मुझे ऐसा एक और अनुभव हुआ। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्रार्ग्य तोरणा चयाटला कर केयूरा पृथ्व्याम ककुदोपमा। अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारिका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी लेकर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से जब मैंने पुरातत्व विदों से ये जाना था तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अद्भुत आनंद होगा। साथियों, 21वीं सदी में भारत के वैभव की तस्वीर भी मेरी आंखों में घूम रही थी और मैं लंबे समय तक अंदर रहा। मैं समुद्र द्वार और आज के यहां देर आई आने में उसका कारण भी मैं अंदर काफी देर रुका रहा। मैं समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं। साथियों, आज मुझे
सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है। और मैं तो चाहूंगा इंजीनियरिंग के, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी आकर के इस सुदर्शन सेतु का अध्ययन करें। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। मैं सभी देशवासियों को इस आधुनिक और विराट सेतु के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अने आजे जारे आवडू मोटू काम थाय छे त्यारे एक जूनी बात याद आवे छे। रशिया में अस्ट्राखान नामनु एक राज्य छे। गुजरात अने अस्ट्राखान साथे सिस्टर स्टेट नो आपणो नातो छे। तो जारे हूँ मुख्यमंत्री हतो त्यारे रशियाना ए अस्ट्राखान राज्य में एमणे मने निमंत्रण आप्युं, हूँ गयो हतो। अने जारे त्यां गयो तो मारा माटे आश्चर्य हतुं कि त्यां जे सारामां सारी बजार होय, मोटामां मोटो मॉल होय, तो एनु नाम ओखा ऊपर ज होय। बधाना नाम पर ओखा। मैं कहूं का ओखा केम राख्युं छे? तो सदियों पहला अपना लोग अहींथी व्यापार माटे त्यां जता अने अहींथी जे चीजों जाए एने त्यां उत्तम में उत्तम चीजों मानवामां आवती। एना कारण जे सदियों पछी पण ओखा नामनी दुकान होय, ओखा नामनो मॉल होय, तो त्यांना लोकोने लागे कि आ खूब ऊंची गुणवत्ता वाली वस्तु अहीं मळे छे। ये जे सदियों पहला आ मारा ओखानी जे आबरू हती ने, आ सुदर्शन सेतु बन्या पछी फरी एक वार दुनियाना नक्शा में मारू ओखा चमकवानू छे। साथियों, आज जब मैं सुदर्शन सेतु को देख रहा तो कितनी ही पुरानी बातें भी याद आ रही है। पहले द्वारका और बेट द्वारका के लोगों को, श्रद्धालुओं को फेरी बोट पर निर्भर रहना पड़ता था। पहले समंदर और फिर सड़क से लंबा सफर करना पड़ता था, यात्रियों को परेशानी होती थी और अक्सर समंदर की ऊंची लहरों के कारण कभी कभी बोट सेवा बंद भी हो जाती थी। इससे श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी होती थी। जब मैं मुख्यमंत्री था तो यहां के साथी जब भी मेरे पास आते थे तो ब्रिज की बात जरूर करते थे और हमारे शिव शिव हमारे पबूबा, उनका एक एजेंडा था कि ये काम मुझे करना है। आज मैं देख रहा हूं कि पबूबा सबसे ज्यादा खुश है।
साथियों, मैं तब की कांग्रेस की केंद्र सरकार के सामने बार बार ये बातें रखता था, लेकिन कभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था। मुझे खुशी है कि मैं परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया हूं। इस पुल के बनने से अब देश भर से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होगी। इस पुल की एक और विशेष बात है, इसमें जो शानदार लाइटिंग हुई है उसके लिए बिजली पुल पर लगे सोलर पैनल से ही जुटाई जाएगी। सुदर्शन सेतु में 12 टूरिस्ट गैलरी बनाई गई है। आज मैंने भी इन गैलरियों को देखा है, ये अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। सुदर्शन ही है, इनसे लोग अथाह नीले समंदर को निहार पाएंगे। साथियों, आज इस पवित्र अवसर पर मैं देवभूमि द्वारका के लोगों की सराहना भी करूंगा। यहां के लोगों ने स्वच्छता का जो मिशन शुरू किया है, और मेरे पास लोग सोशल मीडिया से वीडियो भेजते थे कि द्वारका में कितनी जबरदस्त सफाई का काम चल रहा है। आप लोग खुश है ना? तुम्हारा बताना आनंद हो ना सफाई से ही? तो एकदम बधु साफ साफ लागे थे ना। पण हवे तमारी जवाबदारी शू? पाछू मारे आवू पड़ते साफ करवा? ए तमे आने साफ राखशो के नहीं? जरा हाथ ऊंचा करीन को। हवे आपणे द्वारका ने गंदी नहीं थवा दईए। मंजूर? मंजूर? देखिए, विदेश के लोग यहां आएंगे, अनेक श्रद्धालु आएंगे, जब वो स्वच्छता देखते हैं ना, तो आधा तो उनका मन आप जीत ही लेते हैं। साथियों, जब मैंने देशवासियों को नए भारत के निर्माण की गारंटी दी थी, तो ये विपक्ष के लोग जो आए दिन मुझे गाली देने के शौकीन है, वो उसकी भी मजाक उड़ाते थे। आज देखिए, लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। सामान्य जन को सुविधा देने की नीयत और निष्ठा में खोट थी। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था तो देश बनाने की याद कैसे आती? इनकी पूरी शक्ति इसी बात पर लगती थी कि 5 साल सरकार कैसे चलाएं, घोटालों को कैसे दबाएं। तभी तो 2014 से पहले के 10 सालों में भारत को ये सिर्फ 11वें नंबर की इकोनॉमी बना पाए। जब अर्थव्यवस्था इतनी छोटी थी तो इतने विराट देश के ऐसे विराट सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य भी उतना नहीं था। जो थोड़ा बहुत बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहता था, वो ये घोटाले करके लूट लेते थे। जब देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का समय आया, कांग्रेस ने 2G घोटाला कर दिया। जब देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का अवसर आया,
कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया, जब देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बारी आई कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर और सबमरीन घोटाला कर दिया, देश की हर जरूरत के साथ कांग्रेस सिर्फ विश्वासघात ही कर सकती है। साथियों, 2014 में जब आप सभी ने मुझे आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा तो मैं आपसे वायदा करके गया था कि देश को लूटने नहीं दूंगा। कांग्रेस के समय में जो हजारों करोड़ के घोटाले होते रहते थे वो सब अब बंद हो चुके हैं। बीते 10 वर्षों में हमने देश को दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया और इसका परिणाम आप पूरे देश में ऐसे नव्य भव्य और दिव्य निर्माण कार्य देख रहे हैं। एक तरफ हमारे दिव्य तीर्थ स्थल आधुनिक स्वरूप में सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ मेगा प्रोजेक्ट से नए भारत की नई तस्वीर बन रही है। आज आप देश का ये सबसे लंबा केबल आधारित सेतु गुजरात में देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज पूरा हुआ, जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बना शानदार ब्रिज आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है, तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज भी तेजी से काम चल रहा है, असम में भारत का सबसे लंबा नदी सेतु भी बीते 10 वर्ष में ही बना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ ऐसे बड़े निर्माण हो रहे हैं। यही आधुनिक कनेक्टिविटी समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के निर्माण का रास्ता है। साथियों, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो इसका सीधा प्रभाव देश के पर्यटन पर पड़ता ही है। गुजरात में बढ़ती हुई कनेक्टिविटी राज्य को बड़ा टूरिस्ट हब बना रही है। आज गुजरात में 22 सेंचुरीज और 4 नेशनल पार्क हैं, हजारों वर्ष पुराने पोर्ट सिटी लोथल की चर्चा दुनिया भर में है। आज अहमदाबाद शहर, रानी की वाव, चापानेर और धोलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज बन चुके हैं। द्वारका में शिवराजपुर का ब्लू फ्लैग बीच है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद है। एशिया का सबसे लंबा रोपवे ये हमारे गिरनार पर्वत पर है। गिर वन एशियाटिक लायन ये हमारे गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के एकता नगर में है। रणोत्सव में आज दुनिया भर के पर्यटकों का मेला लगता है। कच्छ का धोरडो गांव दुनिया के सर्वोत्तम पर्यटन गांवों में गिना जाता है। नड़ा बेट राष्ट्रभक्ति और पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। विकास भी
विरासत भी इस मंत्र पर चलते हुए गुजरात में आस्था के स्थलों को भी संवारा जा रहा है। द्वारिका, सोमनाथ, पावागढ़, मोढ़ेरा, अंबाजी, ऐसे सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में सुविधाओं का विकास किया गया है। अंबाजी में ऐसी व्यवस्था की गई है कि 52 शक्तिपीठों के दर्शन एक जगह हो जाते हैं। आज गुजरात भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की पसंद बनता जा रहा है। वर्ष 2022 में भारत आए 85 लाख से अधिक पर्यटकों में हर 5वां पर्यटक गुजरात आया है। पिछले वर्ष अगस्त तक करीब 15.5 लाख पर्यटक गुजरात आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने विदेशी पर्यटकों को जो ई वीजा की सुविधा दी है उसका भी लाभ गुजरात को मिला है। पर्यटकों की संख्या में हो रही ये वृद्धि गुजरात में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियों, मैं जब भी सौराष्ट्र आता हूं यहां से एक नई ऊर्जा लेकर जाता हूं। सौराष्ट्र की ये धरती संकल्प से सिद्धि की बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज सौराष्ट्र का विकास देखकर किसी को भी एहसास पहले कभी नहीं होगा कि पहले यहां जीवन कितना कठिन हुआ करता था। हमने तो वो दिन भी देखे हैं जब सौराष्ट्र का हर परिवार, हर किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता था। यहां से लोग पलायन करके दूर दूर पैदल चले जाते थे। जब मैं कहता था कि जिन नदियों में साल भर पानी रहता है वहां से पानी उठाकर सौराष्ट्र और कच्छ में लाया जाएगा तो ये कांग्रेस के लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज सौनी ये एक ऐसी योजना है जिसने सौराष्ट्र का भाग्य बदल दिया है। इस योजना के तहत 1300 किलोमीटर से अधिक की पाइपलाइन बिछाई गई है और पाइपलाइन भी छोटी नहीं है, पाइप के अंदर मारुति कार चल जा सकती है। इसके कारण सौराष्ट्र के सैकड़ों गांवों को सिंचाई का और पीने का पानी पहुंच गया है। अब सौराष्ट्र का किसान संपन्न हो रहा है, यहां का पशुपालक संपन्न हो रहा है, यहां का मछुआरा संपन्न हो रहा है। मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में पूरा सौराष्ट्र, पूरा गुजरात सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। द्वारकाधीश का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम मिलकर सौराष्ट्र को, गुजरात को विकसित बनाएंगे। गुजरात विकसित होगा, भारत विकसित होगा। एक बार फिर इस भव्य सेतु के लिए मैं आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और अब मेरी द्वारका वालों से प्रार्थना है, अब आप अपना मन बना लीजिए दुनिया भर से टूरिस्ट कैसे ज्यादा से ज्यादा आए, आने के बाद उसको यहां रहने का मन करे। मैं आपकी इस भावना का आदर करता हूं। मेरे साथ बोलिए, द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की,
द्वारिकाधीश की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपना उत्साह भर्या संबोधन, आपनी मानक उपस्थिति अने आप पवित्र देव भूमि ने अनेक सौगातों की भेट आपवा बदल आपनो पण खूब खूब आभार मानिए छे।